नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी पशुपालक भाई हमारी वीडियो को आज पहली बार देख पा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर जो भी नई वीडियो हम अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी हमारे चैनल पे, ऑलमोस्ट मैंने डेयरी फार्म को कवर करते हुए जो पशुधन आपको दिखाया वो बहुत ही सराहनीय, और जो आप लोगों का जो प्यार मिला उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे पशुपालक भाइयों की डिमांड थी कि जो हमारा आम पशुपालक है उसकी भी वीडियो कहीं ना कहीं कवर की जाए, तो उसी कवरेज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं एक आम पशुपालक के घर। और आम पशुपालक जो हमारी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं प्रवीण सर, मैं कहना चाहूंगा एक बार हाथ हिला के सबका अभिनंदन करें। तो ये जो इनका पशुधन है ये बिक्री के लिए अवेलेबल है, और मैं आज की जो कवरेज आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो लेके आ रहा हूँ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का हरियाणा प्रदेश में मैं बताना चाहूंगा मुर्रा पशुधन ही नहीं बल्कि हर तरह के क्षेत्र में एक अहम योगदान रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई काम हो या फिर पशुधन से रिलेटेड। जितने ज़्यादा अनुभवी और पढ़े लिखे लोग रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आप हमारे हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने में। तो बात करते हैं आगे की, जो पशुधन है ये दिखाते हुए मैं बात करना चाहूँगा इसकी डिटेल्स के बारे में। तो प्रवीण सर से एक बार इसकी डिटेल जानेंगे। प्रवीण सर नमस्कार। नमस्ते भाई, कैसे हो सर आप? बढ़िया। जो आपका ये मुर्रा पशुधन है एक बार इसकी डिटेल्स में जानना चाहूंगा, कौन से ब्यात में है और जी सेकंड ब्यात। सर बता रहे हैं सेकंड लैक्टेशन का ये मुर्रा पशुधन आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव का मुर्रा पशुधन है ये। तो सर ये बिक्री के लिए अवेलेबल है? हाँ। बच्चा दिए हुए कितना टाइम हो गया इसको? 17-18 दिन हो गए। सर बता रहे हैं 17 से 18 दिन इसको बच्चा दिए हुए हैं और अभी दांतों में कितनी है? 6 दांत। नीचे दूध अभी मौके पे कितना तैयार है? 17 लीटर। 17 लीटर भाई जो है वो बता रहे हैं 17 लीटर दूध ये मौके पे तैयार है। तो सर ये सेल के लिए अवेलेबल है क्या? हाँ। सेल के लिए, बिक्री के लिए अवेलेबल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों छोटा हेड जो चेरा मोरा है बिल्कुल जचता हुआ, शांत शकल की सुंदर, सींग जरूर थोड़े से खुले हुए हैं, हाइट लेंथ आप देख सकते हैं काफी अच्छी हाइट लेंथ और पतली चमड़ी की एकदम, और जो पुट्ठे हैं आप पुट्ठे देख सकते हैं, थोड़ा कैमरे से जरूर हिचक रही है, चौड़े पुट्ठे का इनका ये मुर्रा पशुधन है, ये बिक्री के लिए अवेलेबल है। बात करूं अगर मैं अडर की तो आप अडर देख सकते हैं, भारी भरकम अडर इनके जो मुर्रा पशुधन के नीचे मौजूद है, माथे में किसी तरह का कोई टीका नहीं और पूंछ में टेल में यहाँ पे थोड़े से व्हाइट बाल जरूर हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये मुर्रा पशुधन इनका बिक्री के लिए अवेलेबल है। सर नीचे क्या है, मेल काफ है फीमेल काफ है? फीमेल काफ है। नीचे साथियों फीमेल काफ है। सर एक बार इसकी रेंज आप बताना चाहेंगे, ये रेट मौके का फिक्स प्राइस आप बताइए, कितना रेट जो बायर्स हैं वो आपसे संपर्क कर सके, कितने में आप इसको दे देंगे? 1.35 तक। ये फाइनल है या इसमें भी कम ज्यादा हो सकता है? थोड़ा बहुत हो जाएगा। सर मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली बहुत सारे जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनकी डिमांड थी के रेट एक बार जरूर कंफर्म करें, क्योंकि रेट एक ऐसी चीज है, कई बार हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनके जो रेंज है उस रेंज में उनका मुर्रा पशुधन आता भी है नहीं भी आता। तो ये सर बता रहे हैं 1,35,000 रुपये इन्होंने इसकी कॉस्ट रखी है और कह रहे हैं थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि कोई फिक्स प्राइस नहीं, अगर कोई इच्छुक पशुपालक भाई इसको लेना चाहें तो ऊपर नीचे रेट ये बिल्कुल एडजस्टमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। तो इनका ये पशुधन है ये बिक्री के लिए अवेलेबल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एकदम भारी भरकम अडर का मुर्रा पशुधन। टीट स्पेसिंग आप देख सकते हैं, शानदार टीट स्पेसिंग, और जो अडर में जो वेन्स है थोड़ा कैमरे से जरूर हिचक रही है, ये साफ साफ इशारा करते एक मुर्रा पशुधन के ये वास्तव में एक दुधारू पशुधन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। टीट स्पेसिंग आप ये देखिए, वेन्स बिल्कुल साफ साफ वेन्स दिख रही है, हैवी अडर का मुर्रा पशुधन, सेकेंड लैक्टेशन है इसकी। तो ये बिक्री के लिए अवेलेबल है। मैं कहना चाहूंगा सर एक बार इसको चला के और दिखाएं, इनका व्यक्तित्व जरूर देखना चाहेंगे हम। अडर की क्वालिटी आप देख सकते हैं एकदम भारी भरकम अडर, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, इस तरह का अडर किसी किसी मुर्रा पशुधन में देखने को मिलता है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा ये इनका सेल के लिए अवेलेबल है, और
ये रेवाड़ी जिला में जो गांव है, गांव लगता है सर, गांव कौन सा है आपका? नेहरूगढ़ गामड़ी गांव से मैं ये कवरेज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये जो मुर्रा पशुधन है बिक्री के लिए अवेलेबल है, एक बार अपने कॉन्टेक्ट नंबर और कंफर्म करिए। 8527350201 8527350501 तो ये हैं प्रवीण सर के कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छे किस्म के मुर्रा पशुधन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कवरेज में देख सकते हैं अच्छा किस्म का जो टॉप क्वालिटी का मुर्रा पशुधन है वो इनके यहाँ पे अवेलेबल काम है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा मुर्रा पशुधन, क्योंकि जो अर्डर है मैं बार बार इसको अगर कवर करके दिखाना चाहूँ, ये देख सकते हैं आप टिट स्पेसिंग बहुत शानदार, साफ सुथरा अर्डर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी आम पशुपालक को कवर किया जाए, उसी कवरेज को लेते हुए आज हम पहुंचे थे नेहरूगढ़ गामड़ी गांव में जो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंतर्गत आता है। तो ये थी आज की हमारी कवरेज, आशा करूंगा आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नए पशुपालक या किसी नए आम बड़े डेयरी फार्म पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।